पीएनबी हाउसिंग देखिए, आज के दिन ही ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिख रही है एलेक्स जी के चार्ट पे पीएनबी हाउसिंग में, और हो सकता है कि कैचअप फॉलो अप बाइंग हो यहाँ पर। 460 रुपये के आसपास ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में, अलॉन्ग विथ प्राइस वॉल्यूम एक्शंस काफ़ी अच्छे रहे हैं। वॉल्यूम भी काफ़ी दिनों के एवरेज वॉल्यूम को क्रॉस करके, जबकि आज के शुरुआती सत्र में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम है इसमें, तो ये दर्शाता है कि कंपनी में अच्छे प्राइस कैचअप हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हाउसिंग में अगर आपको देखना है, ये स्टॉक भी ठीक कर रहा है, बट हाउसिंग एज ए होल अगर पीएसयू की तरफ देखना है तो मुझे कैनफिन होम ज़्यादा अच्छा लगता है। एसेट क्वालिटीज ग्रोथ को लेकर पीएनबी हाउसिंग से ज़्यादा अच्छा लगता है उसमें। पीएनबी में बीच में जो खबरें थी कि एचडीएफसी से जो लोग रिटायर हुए थे वो इसमें आने वाले थे, उनका मैनेजमेंट, उसको लेके काफ़ी हलचल थी कि बड़ा एक यू टर्न हो सकता है बाद में। फिर सारी चीज़ें, चूंकि कंप्लायंस एक बड़ा इशू था उसके कारण शायद ये सारी चीज़ें रद्द हो गई। अब बिजनेस जो है एज इट इज चल रहा है, तो मुझे लगता है कि हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट के पास रहें। उसमें आवास फाइनेंशियल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि इस तरह से प्राइवेट में अगर जाना है तो वो ज़्यादा अच्छा है। एलआईसी हाउसिंग भी ठीक करता है बट थोड़ा सा स्लो मूवर है। अदरवाइज जो है सेकेंड हाईएस्ट एयूएम इन हाउसिंग फाइनेंस अगर देख लें, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के पास है आफ्टर एचडीएफसी लिमिटेड, तो वो एक बेट हो सकता है। बट लेकिन हमेशा सरकारी कंपनियों को गिरे हुए भाव में ज़्यादा आपको निचले स्तरों पर लेना चाहिए, तो ज़्यादा रिटर्न देते हैं। लेकिन इन सारी कंपनियों में कैनफिन होम जो है प्राइस वॉल्यूम एक्शंस काफ़ी अच्छे रहते हैं, फंडामेंटल्स भी उसके अच्छे हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पर आपको ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। जी बस सर, इसको एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ डिस्कशन को, क्योंकि आपने ये तो बता दिया हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं और किस तरीके से काम किया जा सकता है। लेकिन अगर मेरे पास पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 432 के आसपास से एंट्री है तो गुड टू होल्ड है। यस, मोमेंटम इज देयर सो गुड टू होल्ड, और उसमें आप एक जो है बाय क्लोजिंग बेसिस का एक स्टॉप लॉस लगा लें। मुझे लगता है कि अगर क्लोज हो जाता है 450-452 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो आई थिंक यू शुड एग्जिट वहां पर रहें। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रूप में है, अगर फर्दर अगर बढ़ता है तो फिर से मैं कहूँगा कि दर्शक को उनको पूछना चाहिए कि कहाँ ट्रेल करके जो है, ताकि प्रॉफिट में आई हुई चीज़ कभी लॉस में ना जाए। पहली चीज़ ये बना लें कि जब कभी भी बॉल जो है आपके कोर्ट में है तो ऐसा नहीं हो कि कोई छीन के ले जाए आपसे, तो उस चीज को आप प्रॉफिट जरूर प्रोटेक्ट करें और 450-452 के आसपास का एक स्टॉप लॉस बाय क्लोजिंग बेसिस रखें। ठीक है, तो घर आई हुई लक्ष्मी जो है वो वापस नहीं जानी चाहिए, वो संतोष सर ने बता दिया, वो आपके उसमें से निकल ना जाए सामने से, अगर आ गया स्क्रीन पर तो उसको जरूर बांध लें।